महादेव के भक्तों को ये बात तो पता है कि महादेव की प्रिय सवारी नंदी बैल है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता हो। आखिरकार नंदी कैसे भोलेनाथ के वाहन बन गए और क्यों महादेव ने नंदी को ये वरदान दिया था, इस बारे में पुराणों में जानकारी मिलती है। नंदी के शिव के वाहन बनने की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए जानते हैं कि कैसे नंदी भगवान शिव के वाहन बन गए। आप अक्सर देखते होंगे शिव मंदिर में शिव प्रतिमा के सामने नंदी की प्रतिमा होती है, मंदिर के बाहर भी नंदी की प्रतिमा होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी केवल शिव के गण नहीं है, वे उनके परम भक्त होने के साथ ही साथ साथी और उनके मित्र भी हैं। पुराणों में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार शिलाद ऋषि को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए ये डर सताने लगा था कि उनका वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक बालक को गोद लेने का फैसला किया। शिलाद ऋषि कोई सामान्य बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए था जिसे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला हो और जो आध्यात्मिक हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। शिलाद ऋषि लगातार तपस्या करते रहे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर शिलाद ऋषि ने कहा कि वो एक पुत्र की कामना करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद एक दिन ऋषि को खेत में एक बच्चा मिला जिसके चेहरे पर असामान्य तेज था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छे से लालन पालन करना। इसी बालक का नाम उन्होंने नंदी रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में शिलाद ऋषि को पता चला कि नंदी तो अल्पायु है। ये जानकर नंदी दुखी होने के बजाय हंसने लगे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि शिव के आशीर्वाद से आपने मुझे प्राप्त किया है, तो मेरी आयु की रक्षा करना भी भगवान शिव का काम है। ऐसा कहकर नंदी शिव भगवान की आराधना करने चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी अपने सामने महादेव को पाकर अपनी उम्र के बारे में भूल गए। उन्होंने वरदान में हमेशा शिव का साथ मांग लिया। इस पर महादेव खुश हुए और उन्होंने नंदी को बैल का चेहरा देकर अपने वाहन, अपना दोस्त और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से नंदी ने न केवल अपनी नियति को बदला, बल्कि खुद अपने ही हाथों अपना भाग्य भी सवार लिया। नंदी के जीवन से जुड़ी एक और रोचक घटना है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी समस्त मानव जाति को खत्म कर देती। कहीं मानव जाति खतरे में ना जाए, इसलिए महादेव ने विष पीने का फैसला किया। उन्होंने विष तो पी लिया, लेकिन माता पार्वती नहीं चाहती थी कि विष उनके शरीर में पहुंचे, इसलिए उन्होंने उसे गले में ही रोक लिया था। जब महादेव उस विष को पी रहे थे तो उसकी कुछ बूंदे गिर गई थी। उस विष को नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। ये देखकर दानव और देव दोनों ही हैरान रह गए। सब कहने लगे कि महादेव तो भगवान है, लेकिन नंदी ने विष कैसे पी लिया। इस पर नंदी ने कहा कि जब उनके स्वामी ने विष पिया है तो उन्हें भी पीना ही था। नंदी की ये बात सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। नंदी के इस काम से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि नंदी, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो और मेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी नंदी के भी पास हैं। अगर पार्वती के कारण मेरी सुरक्षा हुई है तो वह नंदी की भी सुरक्षा होगी। विष का कोई असर नंदी पर नहीं होगा। इस घटना के बाद से ही नंदी और महादेव का साथ और भी मजबूत हो गया। दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए। शिव और नंदी के बीच प्रगाढ़ संबंध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिव की प्रतिमा के सामने नंदी की प्रतिमा बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महादेव तो समाधि में रहते हैं। भक्त अपनी प्रार्थना नंदी के कान में कहते हैं और भक्तों की प्रार्थना महादेव तक पहुंचाने का काम नंदी करते हैं। माना जाता है कि नंदी के कान में की गई प्रार्थना खुद नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और महादेव नंदी की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते हैं।
और इस प्रकार नंदी के कान में कही गई प्रार्थना जल्दी ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको भगवान शिव और नंदी से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब दें इजाज़त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।